दोस्तों आज हम बात करेंगे देश की दो सबसे तेजी से डेवलप्ड हुए सिटीज के बारे में। ये दोनों आधुनिक भारत के दो प्रमुख शहर हैं। हम बात कर रहे हैं गुरुग्राम और नोएडा की। गुरुग्राम हरियाणा राज्य का एक शहर है और नोएडा उत्तर प्रदेश का एक शहर है। ये दोनों ही शहर दिल्ली NCR में आते हैं। दोनों ही शहर अपने डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाने जाते हैं। यहाँ की रोड्स, बिल्डिंग, मॉल, सोसाइटी का मुकाबला देश के किसी भी शहर से आप नहीं कर सकते हैं। जहाँ गुरुग्राम देश में नंबर वन है IT ग्रोथ रेट एंड टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और नंबर दो पे स्टार्टअप इकोसिस्टम भी गुड़गांव में है। वहीं नोएडा अपनी हाउसिंग सोसाइटीज, बड़ी बड़ी बिल्डिंग के लिए मशहूर है। नोएडा को एशिया की सबसे प्लान सिटी के तौर पर भी जाना जाता है। जहाँ नोएडा को लोग मिनी जापान के नाम से जानते हैं, वहीं भारत में गुरुग्राम को लोग मिनी दुबई के नाम से जानते हैं। जहाँ गुरुग्राम में बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनियों के ऑफिस है, वहीं नोएडा में देश के बड़े न्यूज चैनल्स के ऑफिस है। नोएडा का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा है तो गुरुग्राम के पास उससे ज्यादा एंटरटेनमेंट के हब है, जैसे DLF साइबर हब, सेक्टर 29, MG रोड। अगर आप पार्टी एनिमल है, ब्रांड कॉन्शियस पर्सन है और वीकेंड पे आपको बड़े बड़े मॉल्स में शॉपिंग करना पसंद है तो गुरुग्राम आपकी पहली पसंद हो सकता है। अगर आप रहने के लिहाज से इन दोनों शहरों को देख रहे हैं तो नोएडा में फ्लैट्स आपको गुरुग्राम से सस्ते मिल जाएंगे। जहां एक एवरेज 2BHK फ्लैट गुरुग्राम में 70 लाख का मिलता है, वही उससे बेहतर फ्लैट आपको नोएडा में 50 लाख में आसानी से मिल जाएगा। और नोएडा गुड़गांव से कहीं बेहतर है रहने के लिए, क्योंकि गुरुग्राम दुनिया की सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है। जहां नोएडा काफी नजदीक है सेंट्रल दिल्ली से, वहीं गुरुग्राम काफी नजदीक है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। नोएडा में मेट्रो कनेक्टिविटी ज्यादा है, वहीं गुरुग्राम में मेट्रो कनेक्टिविटी सीमित है। यहाँ पर लोग ज्यादा ऑटो, बस और अपने पर्सनल व्हीकल का यूज करते हैं। जहाँ नोएडा में बहुत सारे एजुकेशनल हब है, मोस्ट रेपुटेड कॉलेज है, स्कूल्स है, वहीं गुरुग्राम में बेटर मेडिकल फैसिलिटीज है विद सम ऑफ रेपुटेड हॉस्पिटल्स। अब हम बात करते हैं इन दोनों शहरों की कुछ खामियों के बारे में। जहाँ नोएडा में गुरुग्राम से क्राइम कहीं ज्यादा है, वहीं गुरुग्राम का सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेकार है। बारिश के दिनों में गुरुग्राम की हालत बद से बदतर हो जाती है और पूरा गुरुग्राम डूब सा जाता है। गुरुग्राम में सीवरेज और ड्रेनेज की बहुत भारी समस्या है। IT के लिहाज से देखें तो दोनों ही शहर देश के बाकी हिस्सों से बहुत आगे हैं। ये शहर देश की नेक्स्ट जनरेशन सिटीज में आते हैं। जितना तेजी से विकास इन दोनों शहरों का हुआ है, उतना तेजी से विकास देश के किसी हिस्से में नहीं हुआ है। और ये विकास की दर रुकने का नाम नहीं ले रही, दिन प्रतिदिन ये बढ़ती ही जा रही है। अभी काफी प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो अभी अपकमिंग है, जैसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, द्वारका एक्सप्रेसवे। ये दोनों ही शहर अपने अपने राज्यों के प्रमुख शहरों में से एक है और इन दोनों ही राज्यों की पर कैपिटा इनकम अपने अपने राज्यों में सबसे ज्यादा है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप चाहते हो मैं आगे भी और सिटीज का कंपैरिजन करूं तो मुझे कमेंट में जरूर बताना।